मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। इसीलिए सपने देखना बहुत जरूरी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। इसीलिए सपने देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आप अपने स्मार्टफोन से भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का वॉयस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको वॉयस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से ऐप का यूज करना है। तो इसके लिए आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप का यूज करना है। उसके बाद जब भी आप अपने वॉयस को रिकॉर्ड करें, तो जस्ट आप वीडियो में देखे होंगे मैंने यहाँ पे एक स्टैंड रखा था, जस्ट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों, मेरे पास मोबाइल को फंसाने के लिए एक ही ट्राईपॉड है, तो मैं ये सोचा कि इस फ़ोन को कहाँ पे रखे, तो उसके लिए मैंने ट्राईपॉड का जो बॉक्स है उसमें कपड़ा डाल दिया है। जस्ट आप देख पा रहे हैं, इस कपड़ा को डाल दिया इसलिए ताकि फ़ोन इसमें आराम से हम रख सकें। तो मैंने क्या किया, कुछ इस तरह का स्टैंड बनाया, उसके बाद यहाँ पर ऐसे फ़ोन को रख लिया। बिकॉज इस साइड माइक है और फ़ोन हिले नहीं, इसलिए मैंने इस तरह का स्टैंड बनाया। आप देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उनके पास तो स्टैंड होता है, बट हमारे पास स्टैंड नहीं है, तो कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहां पे जो बॉक्स था उसमें कपड़ा डाल दिया, दिमाग लगाया थोड़ा सा, और कपड़ा डालने के बाद अब हमारा जो स्टैंड है वो बनकर रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा झुका और उसके बाद यहां से स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। इसीलिए सपने देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ इस तरीके से मैंने अपने स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और यहाँ पे लेक्सिस ऑडियो एडिटर में हमारा जो साउंड है वो रिकॉर्ड हो रहा था। अब आपको अपने वॉयस को कैसे रिकॉर्ड करना है एंड कैसे एडिट करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। बट एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये स्टैंड मैंने किस लिए बनाया, आप देखिएगा, जो भी बड़े क्रिएटर होते हैं या जहाँ पे भी वॉयस का रिकॉर्डिंग होता है, वहाँ पे जिसमें भी वॉयस को रिकॉर्ड किया जाता है उसको एक स्टैंड में होल्ड किया जाता है ताकि ये हिले डुले नहीं, ठीक, आप अपनी बॉडी को फ्रीली मूव कर पाएँ, एक्सप्रेशन दे पाएँ। बिकॉज एक्सप्रेशन देने से आपकी वॉयस में वो फील आता है। यहाँ पर देखिए, मेरा दोनों हाथ फ्री है तो यहाँ पर मैं आराम से स्क्रिप्ट देखूँगा, उसके साथ साथ अपनी बॉडी को मूव भी कर सकता हूँ, जिससे मेरे वॉयस में क्या आएगा, फील आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्टैंड बनाया, ठीक, और यहाँ पे आराम से अब माइक है फोन का, तो मैं आराम से अपने वॉयस को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। उसके साथ साथ जब भी आप अपने वॉयस को रिकॉर्ड कीजिएगा तो नाइट में रिकॉर्ड कीजिएगा, जैसे कि अभी मैं अपना वीडियो रात में 3:00 हो रहा है अभी, और अभी मैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज इस समय सब कोई सो जाते हैं तो वीडियो में नॉइज भी नहीं आता है, ठीक। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप नाइट में रिकॉर्ड कीजिएगा। चलिए अब एक और बात मैं आपको बता दूँ, इसके लिए हम लोग लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप का यूज करने वाले हैं, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने वॉयस को रिकॉर्ड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने वॉयस को कैसे एडिट करना है, ठीक। चलिए तो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने स्मार्टफोन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर को ओपन करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप इस रेड कलर वाले बटन पे क्लिक करके अपने वॉयस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जस्ट आप देखिए, यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, मैंने जैसे भी पोजीशन आपको बताया वैसे ही आपको रिकॉर्ड करना है। देखिए यहाँ पर टाइमिंग चल रहा है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको रोकने के लिए जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर साउंड जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं अपने मोटिवेशनल वीडियो का साउंड रिकॉर्ड करने के बाद उसको कैसे एडिट करेंगे वो मैं जस्ट आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने उस वॉयस को रिकॉर्ड कर लेता हूं, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि इस साउंड को कैसे एडिट करना है। तो दोस्तों, सिंपली कुछ इस तरीके से आपको भी अपने साउंड को रिकॉर्ड कर लेना है। जस्ट मैं आपको एक बार प्ले करके सुना देता हूं। तो सिंपली आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे साउंड जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ये वाला जो बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है, इसको खींचकर यहाँ पे लाना है। अब हम बात करते हैं कि इस साउंड को एडिट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको हम कट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, लास्ट में या स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसको हम कैसे कट करेंगे। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा आप आगे खींचिएगा और यहाँ पर
इसको ऐसे खींच के लाइएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ तक गड़बड़ हुआ है और इस वाले पार्ट को हमको कट करना है, ठीक, इधर वाले पार्ट को कट करना है, तो उसके लिए सिंपली इसको सेलेक्ट करके इन दोनों को जहाँ तक खींचिएगा इतना वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ तक कीजिएगा तो इतना वाला पार्ट कट जाएगा, इसको आगे कीजिएगा तो बीच वाला पार्ट जो है ये कट हो जाएगा, ठीक। तो जिसको आपको कट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमको लास्ट वाला ये कट करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जस्ट आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम कट करेंगे, तो जस्ट मैं आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट कट करके आपको दिखाता हूँ। फिर से हम इसको अंडू कर लेंगे, तो इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कट के बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे ये कट हो जाएगा। एक बार मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे कट हो चुका है। अब मान लीजिए कि हमको फिर से उसको वापस लाना है, बिकॉज मेरा तो गड़बड़ नहीं हुआ था, तो हम फिर इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे खींच देंगे, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके अंडो पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए ये वाला पार्ट फिर से वापस आ जाएगा और हम इसको यहाँ पे खींच देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप चाहें तो अपने साउंड को कट कर सकते हैं, अगर बीच में या स्टार्टिंग में या लास्ट में कहीं पर गड़बड़ हुआ हो तो, ठीक। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 इफेक्ट का यूज़ करना है, ठीक, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको नाइट में अपने वॉयस को रिकॉर्ड करना है, नाइट में वॉयस को रिकॉर्ड कीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन करने का भी ऑप्शन है, हालांकि ये करने से आपका जो साउंड का क्वालिटी है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए मैं आपको बोला कि नाइट में रिकॉर्ड कीजिएगा तो आपको इसका भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। यहां पे हम पहला इसको करेंगे, इक्विलाइजर का यूज करेंगे। जस्ट एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं, अभी ये सेटिंग जो है वो नॉर्मल है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो सिंपली यहीं पे आपको कुछ चेंजिंग करना है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे चेंजिंग करूँगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको भी अपने वॉयस के हिसाब से यहाँ पे सेटिंग करना है। तो जस्ट मैं इसको प्ले करता हूँ और यहाँ पे इसको सेटिंग करता हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, इसीलिए सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जिंदगी गुजारने के दो तरीके होते हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, क्योंकि जिंदगी में राजा बनने के लिए भिखारियों की तरह मेहनत करना होता है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होता है। अगर आज आप अपने सपने के लिए तपते हो, मेहनत करते हो, तो आप अपने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे इसको सेट करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, तो जस्ट यहाँ पे आपका जो वॉयस है वो चेंज हो जाएगा। जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। अब आपको फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इको पे क्लिक करना है। इको पे क्लिक करने के बाद इसको भी आपको सेट कर लेना है। जस्ट आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इको लेवल को 4% पे सेट किया है और ये जो है डिले है इसको 610 ms पे सेट किया है। इसको भी आप आगे पीछे करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आपको सिंपली इसको मैंने 4 पे सेट किया था तो हम इसको 4 पे ही सेट कर लेते हैं। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जस्ट देखिए ये भी इस पे अप्लाई हो गया। अब आपको फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और अब हम लोग चलेंगे रिवर्ब पे। तो रिवर्ब पे क्लिक करके और यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। जस्ट आपको प्ले करके दिखाऊंगा और यहाँ पे जो भी सेटिंग मैं करूँगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। हौसलों से उड़ान होती है, इसीलिए सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जिंदगी गुजारने के दो तरीके होते हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, क्योंकि जिंदगी में राजा बनने के लिए भिखारियों की तरह मेहनत करना होता है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होता है।
तो सिंपली यहाँ पे भी आपको अपने वॉइस के हिसाब से सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जस्ट ये भी आपके वॉइस में अप्लाई हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे आपका वॉइस जो है वो एडिट होकर रेडी हो चुका है। जस्ट मैं आपको एक बार फाइनली इसको प्ले करके सुना देता हूँ, उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वॉइस जो है वो अब एडिट हो चुका है। अब आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने फाइल को कोई नेम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ सोनू जी टेक्निकल। जस्ट मैंने यहाँ पे नेम दे दिया सोनू जी टेक्निकल 2.0, ये मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, डन पे क्लिक किया और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये मेरे गैलरी में सेव हो जाएगा। जस्ट मैं आपको इसको एक बार अपने गैलरी में भी दिखा देता हूँ, जस्ट यहाँ पे मतलब कि मेरे फाइल में ये सेव हो जाएगा। तो इधर हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग आते हैं फाइल्स में। फाइल्स में आने के बाद हम यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करेंगे, और ऑडियो पे क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जस्ट ये देखिए, जस्ट यहाँ पे अभी नेम तो नहीं दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया सोनू जी टेक्निकल, देखिए सिंपली आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने वॉइस को एडिट करके अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं।